नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बोले चूड़िया से बाहर हुई मौनी रॉय, मेकर्स ने लगाया ये गंभीर आरोप। टीवी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर के अनुसार मौनी रॉय बहुत जल्द बोले चूड़ियों में दिखाई देने वाली है। इस फिल्म में वो पहली बार बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रोमांस करती नजर आएंगी, लेकिन अब प्रोड्यूसर के साथ अनबन के बाद मौनी रॉय को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बोले चूड़िया के मेकर्स ने मौनी रॉय पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जैसा गंभीर आरोप लगाया है। बोले चूड़िया के फिल्म मेकर्स ने दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मौनी रॉय पिछले काफी समय से फिल्म के डेट्स को लेकर परेशान कर रही हैं। इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनको जब भी स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए बुलाया जाता है वो कभी वक्त पर नहीं आती हैं, साथ ही वो बिना वजह परेशान कर रही हैं। उनके अनप्रोफेशनल बर्ताव से हम सभी परेशान हो रहे हैं। मेकर्स के इन सभी आरोपों का जवाब देते हुए मौनी रॉय के प्रवक्ता ने मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में कहा, मौनी रॉय ने कई फिल्में की हैं, उनके काम की और उनके प्रोफेशनल बिहेवियर की हमेशा तारीफें हुई हैं। मेकर्स जिस तरह का दावा कर रहे हैं उनके पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। वैसे आपको बता दें कि मेकर्स ने मौनी रॉय को फिल्म बोले चूड़िया से रिप्लेस कर दिया है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि मौनी की जगह फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस दिखाई देगी। मेरी जानकारी के अनुसार बोले चूड़िया जून तक बनकर तैयार हो जाएगी। पिछले दिनों मेकर्स ने इसका फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर जारी किया था, जो कि मौनी रॉय और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैंस को काफी पसंद आया। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि मौनी रॉय ने वाकई में मेकर्स के साथ बदसलूकी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया होगा या फिर नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।